क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है, क्यू वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है स्पेशली कॉम्पिटिशन में। क्यू वैल्यू अभी हमने डिस्कस भी किया था, सपोज करो ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके पास प्रोडक्ट हैं और ये क्यू एनर्जी है, क्यू वैल्यू, ठीक है यहां तक। अब पहली स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, इफ मास ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस, ये प्रोडक्ट न्यूक्लियस एंड आउटगोइंग पार्टिकल, प्रोडक्ट न्यूक्लियस एंड आउटगोइंग पार्टिकल, जैसे प्रोडक्ट न्यूक्लियस कुछ भी है, आउटगोइंग पार्टिकल अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, तो इनका जो मास है आउटगोइंग पार्टिकल और वाई का इज लेस देन द मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियस एंड बम्बार्डिंग पार्टिकल। ये टारगेट न्यूक्लियस है और ये बम्बार्डिंग पार्टिकल है, तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा लिख लो, इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब है इफ मास ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट लिख लो, प्रोडक्ट्स हैं, इज लेस देन मास ऑफ रिएक्टेंट्स, ये लो ऐसे लिख लो। तो अगर मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेस देन मास ऑफ रिएक्टेंट्स, तो यानी कि ये मास ज्यादा है ये मास कम है, तो मास गायब थोड़ी ना हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में बाहर आएगा, तो क्यू वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी, और जिन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोअर्जिक रिएक्शन, ठीक है यहां तक। तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव कब होती है ये याद रखना है, जब इसका मास इसके मास से बड़ा होता है। तो ये न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव आएगा कि क्यू वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, तो क्यू वैल्यू फाइंड करने में क्या करना होता है, इसके मास में से इसके मास को क्या करना होता है, माइनस करके दिखाऊंगा न्यूमेरिकल में, ठीक है। अब उल्टा इफ मास ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस एंड आउटगोइंग पार्टिकल इज ग्रेटर देन द मास ऑफ टारगेट एंड बम्बार्डिंग पार्टिकल, मतलब मास ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन मास ऑफ रिएक्टेंट्स, तो Q वैल्यू उस केस में क्या होगी, नेगेटिव, और रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोअर्जिक रिएक्शन, ठीक। तो ये याद रखना है आपने, न्यूमेरिकल में कैसे लगाना है मैं आपको सारा करवाऊंगा, तो ये फैक्ट याद रहेगा यहां तक, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्शन में, मान लो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो गया, तो न्यूक्लियस ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, तो रिएक्शन या तो तेजी पकड़ लेगा, एक्सेलरेट होगा, या स्लो डाउन हो जाएगा, रिटार्ड करेगा, या कॉन्स्टेंट रेट से चलता जाएगा, तो वो कौन बताएगा हमें, न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर के। तो न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये रेशियो याद करनी है, वैसे काम आती नहीं है, ये भी पूछा नहीं जाता, बस एक फैक्टर याद कर लो कि अगर के वन है तो ये ना स्पीड ज्यादा करेगा ना कम करेगा, कॉन्स्टेंट रेट से रिएक्शन चलेगा। अगर के ग्रेटर देन वन है तो फिजन रिएक्शन एक्सलरेट करेगा, और अगर के लेस देन वन है तो फिजन रिएक्शन रिटार्ड करेगा, ये बस आपने याद रखना है इसमें,